अगर आप बैंक कंपनीज को टारगेट कर रहे हो तो उनके स्टार्टिंग दो राउंड ऐसे भी रहेंगे, फिर आपका सॉलिड लीड कोड पे आपके इजी मीडियम वाले आपने 300-400 क्वेश्चंस कर रखे हो तभी वो निकलेंगे, वरना ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत पैसा देती हैं, और ऐसा नहीं है। तो अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, 6 साल 6.5 साल हो गए हैं, बट स्टिल आई एम लर्निंग, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। वेब डेवलपमेंट की जब बात होती है तो फाउंडेशन है ना, या आप फ्रंट एंड में हैं, बैक एंड में हैं, आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, आप वही बेसिक फाउंडेशन आपका चलता रहेगा जब तक आपकी जर्नी है। जितना आप कोड लिखोगे उतना आपको कोड याद होगा। भैया मुझे कोड याद नहीं होता। अबे होगा भाई, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, कोड लिखोगे, तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा। मेरे को एडवाइस की अगर मैं बात करूँ, जो अभी फ्रेशर्स हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, अभी जैसे जॉब्स जब अभी प्रॉपर मार्केट ओपन होगी, तुम जितना तुमने कर लिया तुम बेस्ट हो यार, और अगर तुमने खुद किया तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंटली जाओ, नहीं पता मना करो, कोई बात नहीं सर, आई कैन ट्राई, बट वो कॉन्फिडेंस, वो लर्निंग कि तुम सीखने की चाह है तुम्हारे अंदर, वो दिखना चाहिए इंटरव्यूअर को। चांसेस आर हाई 80% आप सिलेक्ट हो सकते हो। देखिए कॉलेज में होते हैं, फर्स्ट ईयर होता है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कईयों की जॉब लगती है कॉलेज से ऑन कैंपस, कईयों की ऑफ कैंपस लगती है, कई और अलग तरीके से ट्राई करते हैं, कई लोग अपनी जर्नी एमएनसी से शुरू करते हैं, कई लोग स्टार्टअप से शुरू करते हैं, बट एट द एंड लाइफ में ना एंड में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है, चाहे आज हम बात जरूर करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में, या फिर आप किसी और फील्ड में भी हैं, जो बेसिक और फाउंडेशन है ना वो कभी चेंज नहीं होता। फ्रेमवर्क्स आएंगे, लाइब्रेरीज आएंगी, आज कंपनी एक्स टेक्नोलॉजी पे है, कल वाई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट करेगी, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, चीजें सीखेंगे, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। आईटी में ये नहीं है कि आई एम डन, आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे हमेशा, और वही आपको आगे स्विच करने में हेल्प करता है। स्वागत है जी आपका, काफ़ी दिनों बाद आपसे मौका मिल रहा है बात करने का, और आज मैं डिटेल में बात करूंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। 2024 आ गया है, एंड मेरी तरफ से आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, आप बहुत आगे जाएं जितने भी लोग हैं हमारी टीएस फैमिली, और बहुत सारी जॉब स्विच करें। आई नो अभी थोड़ा टाइम क्रिटिकल है, चाहे वेब डेव हो, डेवऑप्स हो, कोई भी प्रोफाइल हो, फ्रेशर्स के लिए खास तौर पर, बट मेरा ऐसा मानना है जल्दी ये टाइम बेटर हो जाएगा। आईटी में ये चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं, आती हैं तो बहुत खतरनाक तरीके से आती हैं, और जाती हैं तो उसके बाद जब और ओपनिंग्स आएंगी तो बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगी। तो बस अपने आप पे भरोसा रखें, थोड़ा अभी गैप है चीज़ों को लेके, बट ये गैप जल्दी भर जाएगा, उसके बाद बहुत सारी जॉब्स आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअल में कंपनी में काम होता है, जो मैं कर रहा हूं, एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, 6 साल 6.5 साल हो गए हैं, बट स्टिल आई एम लर्निंग, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ये कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे सब पता है, और ये होना भी नहीं चाहिए। जब आपका एटीट्यूड ऐसा रहेगा किसी चीज़ को सीखने के लिए कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, या कुछ नया सीखने को मिल रहा है, फिर चाहे जूनियर से मिले, सीनियर से मिले, उसको अच्छे से रिस्पेक्टफुल सीखे, तो वो एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये हमेशा, ये एक लर्निंग है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये हमेशा अपने साथ रखिए, और ये ही एक वे आपको है आईटी में अच्छा ग्रो करना और सर्वाइव करना, राइट? सो वेब डेवलपमेंट की बात जब होती है तो वेब डेवलपमेंट इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट, है ना। अभी 90s में हम बात करते हैं वेब 1.0 के बारे में, 2000 जब आया, 2001 आया, 2 आया, वेब 2.0, वेब 3.0, बट स्टिल अभी हम हमारे अराउंड जो एप्लीकेशन होती हैं, जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, वो एप्लीकेशन वेब 2.0 के ऊपर बेस्ड होती है, राइट? जहाँ पे वेब डेवलपमेंट के अंदर अभी जैसे बहुत बूम है, राइट? बट मैं ऐसा कहता हूँ, ठीक है, मैं जैसे एक वेब डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड वाले रोल पे हूँ, ऐसे ही अदर प्रोफाइल्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। बट यस, ज़्यादातर जब हम कॉलेज में होते तो हमारे दिमाग में कोडिंग एक दिखाई जाती है कि हाँ भाई खाली कोडिंग ही है, इसके अलावा और फील्ड्स नहीं है। बट जब मेरा भी ऐसे ही माइंड सेट था जब मैं कॉलेज में था, जब निकला तो समझ आया अरे यार और भी रोल्स हैं, उनमें भी बहुत पैसा है। मुझे लगता है अवेयरनेस नहीं होती उस तरीके से। अब तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियोज़ आ गई हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, राइट? सो वेब डेवलपमेंट की जब बात होती है तो फाउंडेशन है ना, या आप फ्रंट एंड में हैं, बैक एंड में हैं, आपका बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, आप वही बेसिक फाउंडेशन आपका चलता रहेगा जब तक आपकी जर्नी है। ये मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और प्रोजेक्ट के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं। अब मान लीजिए आपको एक एक्सपीरियंस हो गया 4 साल 5 साल, अब ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ें चलती रहेंगी कि आप डेली बेसिक पढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें आप प्रोजेक्ट के साथ करेंगे और गूगल करेंगे, चैट जीपीटी यूज़ करेंगे, वहाँ से समझते हैं, और वो चीज़ें लर्निंग साथ साथ चलती रहती है। अब मैं ये नहीं कि साथ में कोई ट्यूटोरियल पढ़ना शुरू करूँगा, जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के साथ साथ लर्निंग चलती रहती है। वेब डेवलपमेंट की मैं आपको बात बताऊँ
So, जैसे मैंने कहा, it is a process of creating website, right? जहाँ पे एक front end होगा, एक back end होगा. Web development के अंदर जब jobs की बात करते हैं, तो यहाँ पे अलग-अलग variety of roles हैं. जैसे UI developer, एक आपको design दिया मैंने Figma का, और Figma पे जो भी design है, उसको आप convert करेंगे HTML, CSS, JavaScript की help से. Web development के अंदर चार pillar होते हैं, very important: HTML, CSS और JavaScript और database. जो HTML, CSS है, वो उसको आप मतलब मैं कहूँगा कि उसे आप छोड़ नहीं सकते, वो चलेगा जब तक वेब डेवलपमेंट है, राइट? कुछ और आ जाए तो अलग बात है, बट फाउंडेशन जो है वो इस पे बहुत डिपेंड करती है. उसके बाद जावास्क्रिप्ट. अब ऐसा नहीं है कि खाली जावास्क्रिप्ट ही मैंडेटरी है, राइट? जब मैंने स्टार्ट किया करियर तो जावा में था मैं, तो बैकएंड के लिए यू कैन यूज PHP. अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है, अगर ऐसी जावा के अंदर JSP है, सर्वलेट है, राइट, ASP.NET है, रूबी एंड रेल है, तो बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कंपनीज में काम होता है और लोग एज अ बैकएंड काम कर रहे होते हैं. बट यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि फुल स्टैक रोल भी निकल रहा होता है, जिसको फ्रंट एंड भी पता होता है, बैकएंड भी पता होता है. बट पिलर की बात करें, जो फोर पिलर निकल के आते हैं, HTML, CSS और आप बैकएंड की कोई भी टेक्नोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए, और डेटाबेस, वेरी इंपॉर्टेंट. अब डेटाबेस के अंदर भी क्या होता है, SQL है और नॉन SQL है. बट जब वेब डेवलपमेंट की खासतौर पर बात होती है ना, अच्छा, HTML, CSS, JavaScript, Angular, React, Vue.js, MongoDB, बहुत सारी बातें सुनने को आती हैं, और जिससे कन्फ्यूजन रहता है क्या मैं सब कुछ करूं. तो इस वीडियो को मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. जैसे मैंने फोर पिलर्स की बात करी, HTML, CSS तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं आपको एक रोड मैप दूं अपने एक्सपीरियंस से, और इतना करो उतना काफ़ी है, बाकी जब आप इंटरव्यूज देने जाओगे तो उस दौरान आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी. देखिए, कोई भी कंप्लीट पैकेज नहीं होता. मैं भी अब यहाँ पे आपसे बात करो तो ये नहीं कि मैं कंप्लीट पैकेज हूँ. सी, मैं चीज़ें जितना फाउंडेशन की बात है वो मुझे पता है. मुझे डिबगिंग करने आती है एक एप्लीकेशन की, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डिबगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्किल्स तो ठीक है, एट द सेम टाइम डिबगिंग स्किल्स उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए. अब वो कैसे आते हैं, काम कर करके आते हैं. कुछ चीज़ें आप चाहे कितने ट्यूटोरियल पढ़ लो यूट्यूब पे, आप कितना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, बट कुछ चीज़ें आप जब आप उस जगह जाएंगे, काम करेंगे, चार लोगों से चार बात करेंगे, वहीं दिमाग चलेगा और वहीं पे ही आपके बेसिक फंडामेंटल काम आ रहे होंगे, और वहीं चीज़ें आप समझ लोगे, अच्छा ये मैंने ऐसे यूज़ किया था, अच्छा मैं अब इसको डीबग कर लेता हूँ. क्योंकि आप जितने अच्छे डिबगर होंगे, जितना अच्छा कोड को डिबग कर पाएंगे, उतना ही आप अच्छा लॉजिक लिख पाएंगे, आगे कोड को एक्सटेंड कर पाएंगे. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. वैरायटी ऑफ चीज़ें सुनते हैं हम, चलो जी CSS का टेलविंड CSS पढ़ लेते हैं, बूटस्ट्रैप पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ूँ, राइट? देखिए, अगर अब हर इंडिविजुअल का ना अलग अलग है हिसाब किताब. कोई अभी न्यू है, राइट, किसी का 2 साल का एक्सपीरियंस है, कोई जॉब के किसी के 10 घंटे जा रहे हैं, 12 घंटे जा रहे हैं. बट स्टिल, इफ़ यू वॉन्ट टू एंटर इन वेब डेवलपमेंट, सो आई कैन suggest 2 roadmap, 3 months और 6 months, right? आपके ऊपर आप 1 साल दे दो, 2 साल दे दो, बट क्या है कि अब कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, मार्केट में बहुत भीड़ है, हम बहुत टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट? देखिए, अगर आप 3 months वाले रोड मैप पर जाते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी बेसिक रोड मैप, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप इंटरव्यू के लिए ट्राई कर सकते हो. जैसे HTML है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप कैसे आप टैग्स यूज़ करेंगे, कैसे एक ढांचा तैयार करेंगे वेबसाइट का, तो वहाँ आप HTML पे 1 हफ्ता दें, 1 से 1.5 हफ्ता. सिमिलरली 2 से 2.5 से 3 हफ्ते आप CSS को दें, जहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी को समझे. अब आपने ढांचा तैयार कर लिया, उसको सजाएंगे तो सही ना, उसको डेकोरेट करेंगे, राइट? तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है CSS के अंदर, जिसे आप सीखेंगे और उसकी हेल्प से वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ कि अब आप एक फिग्मा में डिज़ाइन करें फिर उसे कन्वर्ट करें, वो एक अलग रोड मैप है. बट आप अगर HTML जानते हैं, CSS जानते हैं, तो उससे आप आगे चीज़ें ड्राइव खुद कर लेंगे. अब जैसे मान लीजिए आपको फिग्मा फ्रेमर नहीं आता, जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उस दौरान सीख लेंगे. आप अगर ये सोचेंगे पहले मैं कंप्लीट कर लूँगा फिर मैं इंटरव्यू दूंगा, वो कभी दिन नहीं आएगा, ठीक है? सो HTML हो गया, CSS हो गया, और 1 महीना आपको देना है JavaScript के ऊपर. तो 1 हफ्ता दिया HTML में, और या 1.5 हफ्ता दे लो, और 2.5 से 3 हफ्ते CSS को दे दो, इसमें आपका महीना निकल जाएगा. और 1 हफ्ता आपको JavaScript के ऊपर देना है, जहाँ पे बेसिक अच्छे से इफ एल्स, वाइल लूप, डू वाइल लूप और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाने हैं, जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हों, जिससे आपका हाथ खुले, राइट? एडवांस कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आप ES6 वाले कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे तो फ्रेमवर्क लाइब्रेरी सीखना ही पड़ेगा, तो आप रिएक्ट में जाएंगे, एंगुलर में जाएंगे, बट जैसे प्रॉमिस कैसे यूज़ करते हैं, असिंग कैसे यूज़ करते हैं, अवेट हो गया, लेट हो गया, कॉन्स्ट हो गया, वेट वेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे. 1 महीना अच्छे से टाइम देंगे और सुबह शाम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और
एक डेटाबेस। मैंने कहा ना फोर पिलर है, HTML, CSS, JavaScript और डेटाबेस। अब यहाँ पे जब खास तौर पे वेब डेवलपमेंट की बात आती है तो आइदर यू कैन गो, अगर डेटाबेस की बात है तो आप SQL करेंगे, नॉन SQL करेंगे। SQL के अंदर अब आप SQL क्वेरी लिखेंगे है ना, और उसके बाद आप क्वेरी लिखने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, DDL ऑपरेशन हो गया, DML ऑपरेशन हो गया, राइट। नॉन SQL को थोड़ा सीखना आसान रहता है, आपको क्वेरीज बनानी नहीं पड़ती, आपको बने बनाए फंक्शंस मिल जाते हैं, उससे डील करना ज्यादा आसान है। तो जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों के, जैसे मुझे टॉपमेट वगैरह पे भी बहुत कॉल्स आते हैं कि भैया क्या मुझे मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊँ। देखो मैं कहता हूँ आप क्रड भी बना रहे हो ना उतना काफ़ी है। क्रड के अंदर भी आप दुनिया जहाँ की कोई भी एप्लीकेशन ले लो, कोई भी, आपको क्रड दिखेगा ही दिखेगा। इंसर्ट होती हुई चीज़ें दिख रही होंगी, डिस्प्ले होती हुई चीज़ें दिख रही होंगी, डिलीट होती हुई चीज़ें दिख रही होंगी, एडिट होती हुई चीज़ें दिख रही होंगी, राइट। सो और उसमें सर्च बार भी होगा, अगर आप एक क्रड को एक्सटेंड करते हो, सर्च बार बना लो, फिल्टर लगा लो, राइट, तो बन गई एप्लीकेशन। इतना ही चाहिए। और आपके फाउंडेशन, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। समझ आ रही है चीजें? तो ये 3 मंथ्स के लिए आप ऐसे करके एक प्रोजेक्ट बना के आगे निकल सकते हो। अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, इट इज वेरी गुड। सेम HTML को उतना ही टाइम दो, CSS को उतना ही टाइम दो। आप 1 महीना JavaScript पे लगाओगे, फिर 1 महीना आपको अच्छे से रिएक्ट पे लगाओ। रिएक्ट काफी डिमांड में है, काफी ज्यादा कंपनीज अभी डिमांड कर रही है रिएक्ट की। मे बी आने वाले टाइम में चेंज हो, तब की तब देखेंगे, बट अभी फोकस करते हैं ना, सीखते हैं। तो 1 महीना आप अच्छे से रिएक्ट पे लगाओ, और जो भी यूजफुल लिंक्स हैं, रिसोर्सेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वो रेफर कर सकते हो। एंड मेरे खुद के ट्यूटोरियल्स भी हैं, DSA के ऊपर भी हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जी बताना चाहता हूँ, गीक्स फॉर गीक्स पे चल रहा है 390 चैलेंज। अब ये 390 चैलेंज क्या है? अगर आप गीक्स फॉर गीक्स से कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे आप DevOps पे ले रहे हैं, फुल स्टैक पे ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे ले रहे हैं, मान लीजिए आपने आज लिया, आज से 90 डेज के अंदर अगर आप 90% वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल गेट 90% रिफंड। This is a very interesting offer for all students, working professional, ठीक है। तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, कुछ नहीं करना। अगर आप इसी मंथ जनवरी के अंदर, ये ऑफर खाली 1 जैन से लेके 31 जैन तक ही वैलिड है, अगर आप इस दौरान, इस टाइम फ्रेम में अगर कोर्स लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं जी। 90 डेज के अंदर आप 90% कोर्स कंप्लीट कीजिए और आपको रिफंड मिल जाएगा। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट फॉर मोर डिटेल्स। चलिए आगे बात करते हैं। सो 1 महीना रिएक्ट पे लगाएंगे अच्छे से, जहाँ पे हम, क्योंकि अब क्लास कंपोनेंट बहुत कम यूज़ होता है, तो फंक्शनल कंपोनेंट हम अच्छे से सीखेंगे, हुक्स बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको एक प्रोजेक्ट में दिख रही होंगी, ठीक है। आप नॉर्मल एक वेबसाइट बना सकते हो, जब आप कोई फ्रेमवर्क लाइब्रेरी यूज़ करते हो तो चीज़ें आप पूरी एक एप्लीकेशन को डिवाइड कर रहे हो कुछ कुछ कंपोनेंट्स के अंदर, ताकि उन कंपोनेंट्स को आप रीयूज़ कर पाओ। तो वहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, कॉन्टेक्स्ट API सीखते हो, रिडक्स सीखते हो, राइट। स्टेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्टेट मैनेजमेंट एट दी एंड क्या है? डेटा को मैनेज करना, राइट। तो ये 1 महीना आपने लगाया, उसके बाद 1.5 महीना आप, अब जैसे इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, CSS का फ्रेमवर्क, टेलविंड CSS बहुत चल रहा है आजकल, तो 1-1.5 हफ्ता आप उसमें भी दो। और आप एक चीज का अगर आइडिया ले लेते हो ना, तो दूसरी चीज को सीखना आसान होता है। अब ये नहीं है कि आपने रिएक्ट सीख ले तो आप एंगुलर नहीं सीख सकते, सीख सकते हो, बट एक एंगुलर एक कंप्लीट फुल फ्लेज फ्रेमवर्क है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने आपको सजेस्ट नहीं किया। बट ऐसा नहीं है, आप टाइम देंगे, जिस चीज में आप जितना टाइम देंगे उतने आप बेहतर होते जाएंगे। 1.5 महीना बचा है, 2 महीना बचा है, उसमें अच्छे से एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट रहेगा। आप ई कॉमर्स बना लो, आप कोई क्लोन भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं हर कोई क्लोन बना रहा है, यूनिक क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर कॉन्फिडेंट हो, तुमने अगर खुद बनाया वो क्लोन ना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बाकी सिस्टम डिजाइन की बात करें, ये सब चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तब तुम सीख जाओगे कंपनी में जाके। हमने नहीं सीख लिया था सिस्टम डिजाइन कॉलेज के अंदर, और ऐसा नहीं कि मैं बहुत, मुझे सालों साल हो गए, 17 पास आउट हूं मैं, और ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल डिपेंड कि आप कंपनी में काम क्या कर रहे हो। अगर आप सोल्यूशन डिजाइन करो तो अलग बात है, बाकी जैसे जैसे आपका पाथ बढ़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल चीजें बदलती रहेंगी, और आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्टिफिकेशन भी कर रहे होगे और चीजें सीख रहे होगे। इसे बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट, जैसे रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से। ये नहीं कि पूरे 24 घंटे आप इसमें लगा रहे हो, नहीं नहीं यार, हर चीज बैलेंस आउट करके चलना है, राइट। अब एक सवाल आता है, हाउ टू बिकम अ गुड डेवलपर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं अगर इसका आंसर दूं ना, एक अच्छा डेवलपर बनने की बात करें, क्या मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ? मैं कहूँगा नहीं यार, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये पहले होना बहुत जरूरी है। कईयों में ये होता नहीं है, और फिर वो कहते हैं मैं ये कर लेता हूँ, फिर ये छोड़ देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ट्यूटोरियल्स, ठीक है, देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन वीडियो के, ठीक है, थोड़ा विजुअल होते हैं, उसको देख के हम इजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको हैबिट पड़ गई ना, वो बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप हैंड्स ऑन करेंगे, उतना आप बेटर होते जाएंगे। यही एक राज है अच्छे डेवलपर बनने का, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे थोड़ी कर रहे हैं, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, टाइम मुझे पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, बट फिर भी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बेटर होते जाएंगे, जितना आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे एक क्वेश्चन आया था टॉपमेट के ऊपर कि भैया मैं एक प्रॉब्लम को देखूं, मैं कैसे सॉल्व करूं? आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे पीसीस के अंदर, और उस एक एक
प्रॉब्लम को जो आपने ब्रेक डाउन करी उसको फिर एज अ सिंगल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो, बाद में कंबाइन कर दो। ऐसे ही लॉजिक बनते हैं। और ये नहीं कि आप मुझे भी कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, मैं एकदम से लॉजिक बना दूंगा, मैं टाइम लूंगा, समझूंगा, एंड आई कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम गूगल, राइट? एन नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, एट द एंड हमें एक प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो मुझे मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, मेरा अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स मेरा जावास्क्रिप्ट कैसा है और थोड़ी हेल्प गूगल से ली। हर कोई ऐसे करता है, कोई अगर बोल रहा है मैं ऐसे नहीं करता, झूठ बोल रहा है, हर कोई ऐसे करता है। और जितना आप कोड लिखोगे उतना आपको कोड याद होगा। भैया मुझे कोड याद नहीं होता। अबे होगा भाई, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, कोड लिखोगे, तुम्हें याद होना शुरू हो जाएगा। मेरे को एडवाइस की अगर मैं बात करूँ, जो अभी फ्रेशर्स हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, अभी जैसे जॉब्स जब अभी प्रॉपर मार्केट ओपन होगी, तुम जितना तुमने कर लिया तुम बेस्ट हो यार। और अगर तुमने खुद किया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंटली जाओ। नहीं पता मना करो, कोई बात नहीं सर, आई कैन ट्राई, बट वो कॉन्फिडेंस, वो लर्निंग कि तुम सीखने की चाह है तुम्हारे अंदर, वो दिखना चाहिए इंटरव्यूअर को। चांसेस आर हाई 80% आप सिलेक्ट हो सकते हो। अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में भी वीडियो देखते हुए आ रहा होगा, डीएसए भैया देखो यार, डिपेंड करता है आप तुम किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो। मैं इसका हमेशा बहुत बार आंसर दे चुका हूं, जिस कंपनी के लिए जा रहे हो डीएसए इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रंट एंड वाले लोगों के लिए एक अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे देख सकते हो, मैंने वही चीजें डाली हैं जो मैंने पढ़ी थी और जो मेरे से पूछी गई थी। बट ठीक है, अगर आप बैंक कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो उनके स्टार्टिंग के दो राउंड डीएसए भी रहेंगे, फिर आपका सॉलिड लीड कोड पे आपके इजी मीडियम वाले आपने 300-400 क्वेश्चंस कर रखे हो तभी वो निकलेंगी। वरना ऐसा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है यार, बहुत पैसा देती हैं, और ऐसा नहीं है। आप वेब डेवलपमेंट में सारा खेल है प्रोजेक्ट्स का, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर आप और डिटेल में प्रोजेक्ट्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंटरव्यू के टाइम पे एक चीज ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपने किया उस पर अपने आप पे सेल्फ बिलीव रखिए, यही एक वे है, इंटरव्यू निकलेगा ही निकलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। रिजेक्शंस होंगे और एक राइट टाइम पे आप एक राइट कंपनी में जा रहे होंगे। सैलरी की बात अगर करूँ तो मैं अभी जैसे 2024 आ गया है, एंड अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हैं तो 4 लाख से 7 लाख की रेंज रहती है आपको एज अ फ्रेशर मिल रहे होते हैं। एंड मुझे पता है अभी कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी, जॉब नहीं है भैया मार्केट में, क्या करें, राइट? आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, बट मैं आपको फिर ये कहूँगा कि अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो कोई आपको और हिम्मत देने वाला नहीं है। मेरी ये सब बातें बेकार हैं। फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, राइट टाइम जब आएगा आपके हाथ में जॉब होगी, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? ये IT में बहुत ही आम चीज़ है, ये होती है, बट आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं, मैं थोड़ा वो बताता हूं, वो तुम्हें ज़्यादा काम आएगा। कंपनी की जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपसे, वो ये रहती हैं, आप फ्रंट एंड में हैं, बैक एंड में हैं, फुल स्टैक में हैं, किसी भी रोल में हैं, आपको जो टास्क मिला है, जो आपको स्टोरी मिली है, वो अब स्प्रिंट 2 हफ्ते की है या 3 हफ्ते की है, डिपेंड करता है, बट आपका काम टाइम पे हो जाना चाहिए। और अगर आप अटकते हैं तो यू कैन, अब देखो उनको मतलब नहीं तुम गूगल से हेल्प लेके कर रहे हो या अपने दिमाग से कर रहे हो, राइट? उनका काम रहता है, एट द एंड काम होना चाहिए। तो वहाँ तुम्हें एक स्मार्ट डेवलपर बनना है, और गूगल पे सर्च करना भी एक आर्ट है, सबको नहीं आती है। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी, धीरे धीरे आएंगी, बट येस थोड़ा ट्राई करो कि जो भी तुम गूगल से कोड कॉपी कर रहे हो या उठा रहे हो, तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो जो उठाई हुई चीज़ है, और फिर वो कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम आंखें बंद करके उठा रहे हो, वो प्रॉब्लम है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये तो मैं ऐसे इनसाइट्स बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी में काम करते टाइम, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तुम ChatGPT यूज़ कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा, बट तुम जो उठा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। वेब डेवलपमेंट 2024 हो या 25 हो 26 हो, मेरे हिसाब से एवरग्रीन है जी, और आने वाले टाइम में वेब डेवलपमेंट की डिमांड और बढ़ेगी, और मुझे लगता है वेब डेवलपमेंट ही नहीं, ऐसी जितनी प्रोफाइल्स हैं मार्केट में सबकी डिमांड बढ़ेगी। बट एट द एंड मैटर क्या करता है, आपके ऊपर आप कैसे देख रहे हैं अपने आप को। किसी से कंपेयर मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, किसी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ फिर प्रॉब्लम होगी। अपने आप को देखिए, आपका पोटेंशियल कैलिबर क्या है, हर किसी का पोटेंशियल कैलिबर अलग अलग होता है। सो आप कैसे हैं, आपको कितना टाइम देना है, वो आपको डिसाइड करना है, वो टाइम टेबल आपको बनाना है, और अपने आप पे भरोसा रखिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप पे अगर आप बिलीव रखेंगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बिकॉज इम्पॉसिबल के अंदर भी आई एम पॉसिबल है, राइट? सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और मैंने भी जब स्टार्ट किया था सर्विस बेस से किया था, राइट, बहुत सारी गलतियाँ करी, चीज़ें सीखी, और धीरे धीरे फिर प्रोडक्ट बेस में गए, काम कर रहे हैं वहाँ पे, सीख रहे हैं चीज़ें लोगों से भी, और खुद भी मेहनत कर रहे हैं। तो यही रहता है यार, बस इतना ही चाहिए, और आप पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है? सो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड अगर कोई तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी, तो ज़रूर मैंशन करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर, मैं ज़रूर कवर करूँगा, और अच्छे से और नेक्स्ट टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ अगर आप बताएंगे कुछ अगर कॉमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है? बाकी अगर मेरे साथ मास्टर कोडिंग पे कनेक्ट नहीं हो तो आ जाओ, कहाँ हो यार, मैं वहाँ पे हम बहुत कंटेंट डाल रहे हैं फ्री। अभी एक वेबिनार भी होने वाला है मास्टर के ऊपर, तो वो भी आपको अच्छे से वहाँ जानने को मिलेगा। एंड
जाते जाते बताना चाहता हूँ, अगर फुल स्टैक प्लान कर रहे हो ना वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो मर्न आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फुल स्टैक के लिए. बिकॉज एट द एंड एक फुल स्टैक डेवलपर क्या है, जिसको फ्रंट एंड भी पता है, बैक एंड भी पता है, और डेटाबेस है ना. और सिस्टम डिज़ाइन भी यही होता है, जैसे अब सिस्टम आप एक बिल्ड कर रहे हो तो एंड टू एंड कैसे बिल्ड कर रहे हो, इसमें हम डिटेल में एक वीडियो कवर करेंगे फ्यूचर में. एट द एंड अगर मैं जाते जाते एक सजेशन दूँ, तो मर्न स्टैक को टारगेट कर सकते हो अगर फुल स्टैक को टारगेट कर रहे हो तो. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ किसी और वीडियो में. एंड यू कैन सी ऑल दीज लिंक्स यहाँ पे, आ जाओ अगर कनेक्टेड नहीं हो तो. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ किसी और वीडियो में. टिल देन ध्यान रखिए अपना, थैंक यू सो मच, बाय बाय.